उद्देश्य है। यह केवल आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था का उद्देश्य नहीं है, पूरी सृष्टि में जितने कण कण हैं, स्वाध्याय में जो कहा गया कि तुम्हारे जो क्षुद्रमयपन है उसके भीतर, उसके पीछे खड़ा हुआ जो बड़ा मयपन है, जो परमात्मा है, जीवात्मा के पीछे जो शिवात्मा खड़े हुए हैं, ये उसी का ही इच्छा तरंग है, मानस कल्पना है, ये स्वयं तारक ब्रह्म का संकल्प है, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सृष्टि में ये जितने कण कण हैं, वो इस परमात्मा जो ब्रह्म नाभि है, जो पुरुषोत्तम है, उसके चारों ओर घूम रहे, केवल एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। इस सृष्टि में जीव का और कोई उद्देश्य नहीं, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे जीव जगत, जो मनुष्य जगत है, जो प्राणी जगत है, जो सृष्टि का कण कण है, वो अपनी अनंत की प्यास को बुझाने के लिए दौड़ ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कुछ लोग आत्मज्ञानी हैं, जिनको परमात्मा की कृपा मिल गई और उनकी कृपा से उस मनुष्य के मन से माया का थोड़ा सा आवरण कम हो गया, माया का जो जाल है, माया का जो बंधन है, वो थोड़ा सा कम हो गया। इस कारण से वो परमात्मा को अनुभव कर लिए कि परमात्मा इस धराधाम पे आए हैं। और जो लोग नहीं अनुभव कर पाए हैं, उनके भीतर भी आकर्षण बना हुआ है। तो आत्मज्ञानी और जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं और जो परमात्मा का अनुभव नहीं किए हैं, दोनों के भीतर परमात्मा का आकर्षण, उनकी कृपा समान रूप से काम कर रही है। और उसी आकर्षण के कारण ये जीव जो है, जन्म पर जन्म ले करके उसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात यह होती है कि जो मनुष्य शरीर पाकर के भी परमात्मा का ध्यान नहीं करते, और जो मनुष्य शरीर पाकर के परमात्मा का ध्यान हरि कीर्तन करते हैं, तो जो उनकी शरण में आ जाते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा से उनके मन से माया का प्रभाव कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो इतने भक्त लोग बैठे हुए हैं और अपने आप में ये जो गर्व का अनुभव करते हैं कि हम तो इस धराधाम में जन्म लेने वाले आविर्भूत हुए तारक ब्रह्म भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम तो गुरु के शरण में हैं, उनकी कृपा पा रहे हैं, ये अपनी कुवत से नहीं पा रहे हैं, ये जो कृपा पा रहे हैं ये भी उन्हीं की कृपा से पा रहे हैं। मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा की इस माया, इस शक्ति से वो मुकाबला करके जीत सके। जीतने की शक्ति, जीतने का आशीर्वाद ही परमात्मा ही देते हैं। तो ये जो आशीर्वाद मिला है विशेष विशेष लोगों को इस धरती पर, बहुत सारे भक्त हैं, असंख्य भक्त हैं, हरि का भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, ये जो कृपा के पात्र बने हुए हैं, ये परमात्मा के चुने हुए बंदे हैं, चुने हुए भक्त हैं, ये भी उन्हीं की इच्छा और कृपा है। तो परमात्मा को इतना धन्यवाद कहना चाहिए कि मैं आपकी कृपा का पात्र हूं। अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो सद्गुरु के श्री चरण में, नहीं, अगर आप चरण में हैं तो उनकी कृपा से, जब तक वे चाहेंगे तब तक अपने चरण में रखेंगे। अहंकार अगर ज्यादा हो गया तो बोलेंगे क्या ठीक हो। तो हमेशा
चाहिए समर्पण का, कि मैं जो तुम्हारे चरण में शरण में तुम्हारा भक्त बन करके तुम्हारी जो इस सृष्टि की सेवा कर रहा हूँ और तुम्हारी इस धरती पर जो आनंद की प्रवाह बह रही है, मैं उसका साक्षी सत्ता हूँ, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस योग्य चुना। तो ये जो समर्पण का भाव मनुष्य के मन में कैसे बढ़ेगा, कैसे जगेगा, तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है हरि कीर्तन। ये जो कीर्तन है हरि परिमंडल गोष्ठी, ये एक दिन पूरे पृथ्वी ग्रह ही हरि परिमंडल गोष्ठी हो जाएगी। जब सारे लोग भक्त बन जाएंगे, सब भगवान का तारक ब्रह्म का कीर्तन करने लगेंगे, पूरी धरती पूरा एक एक ग्रह जो गोष्ठी कहलाएगा, ये एक ग्रह का गोष्ठी है, ये दूसरे ग्रह का गोष्ठी है। जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना, ये सहरसा डायसिस का गोष्ठी है, तो ये मधेपुरा का गोष्ठी है, तो ये सुपौल का गोष्ठी है, उसी तरह ये पृथ्वी ग्रह का गोष्ठी है, तो ये विशाखा नक्षत्र का गोष्ठी है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रह। जब हमारा विश्व परिवार बन जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, जो परिवर्तन है, उसका जो सूक्ष्म रूप है, उसका जो छोटा रूप है, वो है छोटा छोटा हरि परिमंडल। पूर्णिया का हो गया, धीमा का हो गया, बनमनखी का हो गया, अरहरिया का हो गया, ये छोटा छोटा रूप है अभी गोष्ठी का। यही गोष्ठी धीरे धीरे बड़ा होते होते एक गोष्ठी दूसरे में, दूसरे गोष्ठी तीसरे में, एक देश दूसरे देश में, दूसरे देश तीसरे देश में विलय होते 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 एक महाविश्व का रूप ले लेगा। यही उद्देश्य आनंद मार्ग प्रचारक संघ का है। बड़ से बृहत का भाव, क्षुद्र से सूक्ष्म का भाव, तो ये जो सारा भाव है बिना समर्पण के बृहत के भाव में आना संभव नहीं है। तो ये जो हरि का कीर्तन है, ये उपयुक्त माध्यम होता है अपने मैंपन को, अपने अहंकार को समर्पण करने का। सबसे सरलतम उपाय है कीर्तन, बाबा नाम केवलम, केवल तुम ही हो और कोई नहीं। जब हम कीर्तन नहीं करते हैं तो हम कहते हैं राम राम रमेश गणेश यदु महेश, नाना प्रकार के हमारे संबोधन के जीव जगत को नाम है। जब हरि का कीर्तन नहीं करते हैं तब, और जब हरि का कीर्तन करते हैं तो कहते हैं कि बाबा केवल तुम्हारा नाम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। उस समय इतने सारे लोग जो घूम रहे हैं इस परिमंडल के भीतर, कोई किसी का नाम नहीं पुकारता, सब लोग केवल कहते हैं बाबा नाम केवलम, बाबा केवल एक नाम। और उसी बाबा के भीतर सब समाये हुए, सब समाया है, पूरा सृष्टि पूरा विश्व ब्रह्मांड बाबा के भीतर समाया हुआ और उसी का नाम। इसलिए श्री श्यामानंद जी ने कहा, क्या कहा, तुम सब लोग भी बाबा हो, तुम सब छोटे बाबा हो और पुरुषोत्तम जो है बड़े बाबा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे भीतर ही पुरुषोत्तम है और हमको अपने भीतर की यात्रा करनी है। ये जो अध्यात्म जगत है, ये जो कीर्तन है, भजन है, सत्संग है, ये बहिर्मुखी नहीं, इसका प्रवाह जो है अंतर्मुखी। इसीलिए आनंद मार्ग में पहला ही सेंटेंस कहा गया आत्मा मोक्षार्थ, आत्मा की उन्नति, अंतर्मुखी यात्रा, अंतर्मुखी धारा प्रवाह। और इस अंतर्मुखी का जो लक्ष्य होगा वो होगा परमात्मा, और जो अंतर्मुखी की अभिव्यक्ति होगी वो होगी इस संसार में संतुलन की अभिव्यक्ति, और वो उसका भी लक्ष्य जो होगा परमात्मा होगा। जब आंतरिक और बाहिक दोनों लक्ष्य एक ही हो जाएगा कि दोनों में परमात्मा को ही पाना है, तो फिर क्या हो जाएगा, मनुष्य का मन भटकाव में नहीं जाएगा। अभी हो क्या रहा है, भीतर में हम ध्यान करते हैं, हरि भजन कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, और जब आंखें खुलती है और वास्तविक जगत में जब हम आते हैं, दुनिया के संपर्क में जब हम आते हैं, तो आंतरिक जगत का जो संबंध है वो बाह्य जगत से टूट जाता है। टूटने की वजह से मनुष्य जो है जड़ दुखी हो गया,
संपर्क दोनों का मिलके नहीं रहता है, आंतरिक जगत और बाहिक जगत में संपर्क मिलके नहीं रहता है, टूट जाता है, भूल जाते हैं भगवान के नाम को, तो हम क्या बन जाते हैं, जड़ के पीछे भागते हैं। गाड़ी खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, यहाँ घूमने जाना है, केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, जगह जगह दुनिया की सुंदरता देखनी है, सब इदम तीर्थम सब घूम घुमा करके आना है, और फिर बाबा को कहना, बाबा बहुत सुंदर दुनिया है तुम्हारी। तो मन क्या होता है, बाहर भटक जाता है, भूल जाते हैं तो दुनिया में घूम लेते हैं, जब याद आते हैं तो फिर आ जाते हैं, तो मन ऐसा ही होता है। तो दोनों में संतुलन रहना चाहिए। सारा तीर्थ जो है अपने भीतर है, बाहर कुछ नहीं। साधना करना है, जगत को देखना है, तो अपने भीतर देखना है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जहाँ पिंड है वही ब्रह्मांड है। ध्यान में डूबते जाइए और अपने भीतर ही पूरा विश्व ब्रह्मांड देख लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण जो है मिट्टी खा रहे थे अपने घर के आंगन की, तो मैया यशोदा जो थी वात्सल्य भाव से ओतप्रोत माता मानवी रूप में कृष्ण को हमेशा स्नेह देती रही कि ये मेरा पुत्र है। संसारिक जो एक नियम है उसके तहत हमेशा वो कृष्ण को मानवी रूप में ही देखी। अगर परमात्मा के रूप में देखती तो भक्त और भगवान का रिश्ता हो जाता, गुरु और शिष्य का रिश्ता हो जाता, तो वो जो वात्सल्य प्रेम था उससे वंचित भगवान श्री कृष्ण रह जाते और माता भी रह जाती। तो फिर भगवान ने उनके मन में हमेशा मानवीय भाव रखा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उसी भाव से प्रभावित होकर के मैया यशोदा कही कि तुम मिट्टी खा रहे, मुख दिखा। जब मुख देखने लगी तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के मुख में नजर आ रहा। तो उसी प्रकार मनुष्य अगर प्रयास करे, कीर्तन भजन साधना करे, तो सारा विश्व ब्रह्मांड मन के भीतर दिखेगा। श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि में अर्जुन का मन जब भटका, तब क्या हुआ, वो भी धर्म युद्ध की बेला है, सामने दोनों धर्म अधर्म खड़े हुए हैं, और जो है अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे सब पिता मतलब सब चचेरे भाई सब नाना प्रकार के जो संसारिक संबंध है, कह रहे कि भगवान हमसे युद्ध नहीं होगा। सारी जिंदगी कृष्ण के साथ चलते रहे, कृष्ण का भाव लेते रहे, सबका भाव में जीते रहे, और अंत में कहते हैं कि मैं धर्म युद्ध नहीं करूंगा। माया कितना बलशाली है, जिसके रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने, वो जीवात्मा भी माया के प्रभाव में आके कहता है कि हमसे युद्ध नहीं होगा। तो वहां पर भी भगवान को अपनी विश्व रूप दिखाना पड़ा, विराट रूप दिखाना पड़ा। तो ये जो कृपा के पात्र बनते हैं मनुष्य, यदा कदा इस धरती पर जो ऐतिहासिक घटना घटती है वो क्यों घटती है, यही स्मरण दिलाने के लिए सब लोग यही हो, यही पात्र हो। सबके जीवन में ऐसी घटना घट सकती है अगर योग्यता हो जाएगा। ये पूरी दुनिया जो है भक्तों की दुनिया है, आप जहाँ कहीं पर भी जाएंगे ना, अलग अलग राज्य अलग अलग प्रांत अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, आपको कोई ना कोई भक्त का स्मरण जरूर मिलेगा कि ये भक्त ऐसे व्यक्ति थे, ये सदाचारी अच्छे स्वभाव के धार्मिक व्यक्ति थे। तो क्या होता है, ये संसार जो है आवन जावन आदान प्रदान ये इसी से चलता है। हम परमात्मा का गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और जब कोई भक्त बन जाता है तो परमात्मा ऐसा महान बना देते हैं कि भक्त की ही चर्चा होती है, भक्त का गुणगान होता है। रामकृष्ण परमहंस आज कौन नहीं जानता, चैतन्य महाप्रभु आज कौन नहीं जानता,
मीराबाई भक्त शिरोमणि कौन नहीं जानता, हर कोई भक्तों की चर्चा करते हैं। जब आप भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो ऐसा समय आ जाता है कि जब भक्त और भगवान दोनों का विलय हो जाता है तो भक्त की भी चर्चा होनी चालू हो जाती है। आप आनंद मार्ग के इतिहास में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी हम लोग जो ऐतिहासिक नर नारी आनंद मार्ग प्रचार क्षण में पूरा जब तक मानव जाति रहेगी उनके जो घटनाक्रम है बाबा के साथ वो हमेशा स्मरण रहेगा। पूर्णिया क्षेत्र में देख लीजिए जो प्रदुल्लन दादाजी, उनके घर जो कीर्तन का बाबा ने प्रवाह दिया था जब पटना में टीएमसी हो रहा था और दादा लोग सभी लोग धर्म महाचक्र में चले गए थे और जब उनके घर चोर आए थे और चोरी होने वाला था, कीर्तन पटना में हो रहा है और उसकी जो आवाज है उसकी जो तरंग है यहाँ पर मीरपुर में उनके यहाँ कीर्तन सुनाई दे रही है। चोर रात भर बैठे रहा घर के अंदर, चोरी नहीं कर पाया, चोरी नहीं कर सका। तो ये जो भक्त के साथ जो भगवान की घटना घटी है ना, ये भी चर्चा का विषय है, ये भी उसी कीर्तन में गुणगान में आ जाता है, भक्त और भगवान के प्रेम का गुणगान। तो पूजा जो होती है ना हमेशा भक्त और भगवान की होती है। तो मेरा जो मुख्य बिंदु था, विषय ये था समर्पण। अध्यात्म जगत में समर्पण ही सबसे बड़ा शब्द है, समर्पण ही आदि बिंदु है, समर्पण ही मध्य बिंदु है, समर्पण ही अंतिम बिंदु है। इसको छोड़ करके अध्यात्म जगत में न तो प्रवेश किया जा सकता है और न ही अध्यात्म जगत की यात्रा को पूर्ण किया जा सकता है। जब आप दीर्घ प्रणाम करते हैं, सष्टांग प्रणाम करते हैं और दोनों हाथ को जोड़ करके जब परम पुरुष को अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो षष्ठ अंग अपने आठ अंगों से बाबा को प्रणाम करते हैं। आपके आठ अंग हैं शरीर में, जो आपके अष्ट चक्र हैं, उन चक्रों में जितनी वृत्तियां हैं सारे वृत्तियों को ऊर्ध्वमुखी बना करके आप गुरु के चरणों पे अर्पित कर देते हैं, अपनी सारी अभिव्यक्तियों को गुरु को समर्पण कर देते हैं। ये हुआ पूर्ण आत्मसमर्पण। और उन अंगों को जब समर्पण कर देते हैं, प्रणाम कर देते हैं, तब वहां से आपकी आध्यात्मिक जगत की यात्रा प्रारंभ होगी। आप घर से बाहर जाते हैं गुरु को प्रणाम करके जाते हैं, आप जब साधना में बैठते हैं गुरु को प्रणाम करते हैं, जहां पर आपकी मानवीय शक्ति कम होती है वहां पर आप अधिक शक्ति पाने के लिए गुरु को शशांक प्रणाम कर देते हैं, गुरु को दीर्घ प्रणाम कर देते हैं। मतलब क्या, आप गुरु को पूर्ण समर्पण कर देते हैं, वहां से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। और जब यात्रा अपने पूर्ण विराम में होती है, जहां पर जीवात्मा और सीमात्मा का मिलन का बिंदु होता है, चरम बिंदु होता है, वहां पर भी केवल पूर्ण समर्पण, केवल तुम हो और कुछ, केवल तुम हो। तो समर्पण भक्ति के क्षेत्र में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा बिंदु है। तो इसी समर्पण की परिधि को बढ़ाने के लिए ये हरि परिमंडल गोष्ठी है, ये कीर्तन है, ये साधना है, ये जो इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, ध्यान है, जितने भी प्रकार के लेशन ध्यान मंत्र गुरु ने दिए हैं, जितने भी प्रकार के अनुशासन हम लोगों को गुरु ने सिखाया है, वो केवल और केवल एकमात्र कि अपने अहंकार को गुरु के श्री चरण में समर्पित करते चले जाओ, गुरु के चरण में समर्पित करते चले जाना है, उन्हीं के भाव में हमेशा रहना है। तो जब आंतरिक जगत में हम उन्हीं के भाव में रहेंगे और जब बाहरी जगत में भी संसार में भी उन्हीं का काम करते हुए, उन्हीं का नाम, उन्हीं का कीर्तन भजन करते हुए,
जब बाहिक जगत में भी हम उन्हीं के भाव में रहेंगे तो आंतरिक और बाहिक दोनों भाव एक रहेगा तो मनुष्य जड़वादी नहीं बनेगा। इसी जड़वाद को खत्म करने के लिए अनंत मार्ग में प्रचारक संघ में एक कीर्तन एक आध्यात्मिक आंदोलन है। ये जो कीर्तन है ये पुनर्जागरण है, आध्यात्मिक आत्मा का पुनर्जागरण का बिंदु है, ये आध्यात्मिक आलोड़न है, आध्यात्मिक विप्लव है, आध्यात्मिक आंदोलन है। मनुष्य के मन के भीतर सोए हुए सुप्त अवस्था में वो जो भक्ति का सागर है, वो जो भक्ति का गंगोत्री है, जो जड़वाद के कारण उसके मुख में अहंकार का जड़ भाव का जो एक बहुत बड़ा शिला रखा हुआ है, उस शिला को हटाना है। उस गंगोत्री की, उस भक्तिमय गंगोत्री की जो धारा है उसको प्रखर बना देना है, उसको प्रवाहित कर देना है। प्रवाह सबके भीतर है, भक्ति की प्रवाह सबके भीतर है, लेकिन एक कीर्तन क्या करता है, उस माध्यम को जो है जगा देता है। तो ये जो हम लोग इतने सारे लोग मिल करके जो कीर्तन कर रहे हैं, सबको कीर्तन गाने का कीर्तन आयोजन के माध्यम से हम लोग जो अवसर दे रहे हैं, लोगों को कीर्तन सुना रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं। कीर्तन करना भी हरि की ही कृपा से संभव है। बिना उनकी कृपा से धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। ये जो इतना आध्यात्मिक आप लोग जो अनुभव कर रहे हैं सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। तो कीर्तन भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से अपने आप को योग्य बना लेना है परमात्मा की कृपा पाने का। और ये सारे चीज का मुख्य बिंदु है अपने अहम तत्व को समर्पण करते जाना है। केवल तुम हो, केवल तुम हो, केवल तुम, और तुम्हारे सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं। तो जीवन का यही सार होना चाहिए। और कीर्तनी सदा हरि, हरि का कीर्तन करते रहना है, जितना अधिक से अधिक हो कीर्तन का आयोजन करना है, क्योंकि जितना अधिक हम कीर्तन करेंगे अशुभ शक्ति उतना कमजोर पड़ते जाएगी। जितना अशुभ शक्ति बढ़ेगी उतना कष्ट भी बढ़ेगा। जितना अशुभ शक्ति कम होगी शुभ शक्ति बढ़ेगी उतना सुख और आनंद भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप लोग सभी लोग थे कीर्तन के नाम से तरंग से जो सुख शक्ति जो सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक तरंग प्रवाहित हो रही थी उसमें सभी आनंदित थे। इस परिमंडल के बाहर जब आप सभी लोग घर चले जाएंगे और इस परिवेश से बाहर चले जाएंगे, जड़ जगत में चले जाएंगे और तमोगुण का प्रभाव जब मन के ऊपर पड़ेगा तब मन में फिर से दुख आएगा। तो जितना अधिक कीर्तन करेंगे तमोगुण का प्रभाव उतना कम होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन का आयोजन करना है। कीर्तन में सभी लोग भाग ले सके ऐसा व्यवस्था भी बनाना है और लोगों को कीर्तन करने के लिए भी उत्साहित करना है। तो जगत की सेवा हम जितना अधिक आध्यात्मिक भावधारा से कर सकते हैं उतना भौतिक वस्तुओं से नहीं कर सकते। भौतिक वस्तुएं आवश्यकता की पूर्ति करती है, मन को शांति नहीं देती। आपको घर बन गया, आप धूप से पानी से हवा से बच गए, फिर भी आपके मन में प्यास है। आपके पास कार आ गई, आपके पास धन धान्य सभी सब कुछ आ गया, फिर भी मन में प्यास है। जीवन की जो यात्रा है वो मन की यात्रा है, शरीर की यात्रा नहीं है। शरीर के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए, ये भौतिक जगत की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन जो आत्मा की जो तृप्ति है वो परमात्मा के ध्यान से ही पूछेगी। हमारी जो यात्रा है मन की यात्रा है, शरीर की यात्रा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि चलो शरीर उसको जो है चला दिए और उसके बाद जो है बहुत
लोगों को बुला बुला करके नाना प्रकार के 56 भोज करा दिए, मृत्यु भोज करा दिए, ब्राह्मण को नाना प्रकार के सोना चांदी हीरे जेवरात सब दान में दे दिए, कह दिए कि मेरे पिताजी को जो है ना स्वर्ग पहुंचा देना। ब्राह्मण जो आते हैं उनको अगर कहोगे कि हम तुमको कमरे में बंद कर देते हैं, तुमको बाहर भोजन देते हैं थाली में 56 भोग, तुम खा के दिखाओ, पहले बोलना है खा के दिखाओ, परीक्षा दो, अगर वो खा लेता है तब कहो कि नहीं उसको जो है मेरे पिताजी के लिए आप दान दो। ये जो परंपरा है, ये जो पुण्य परंपरा है, ये क्या है, लोगों का बनाया हुआ है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन की जो यात्रा है मन में ही जाके समाप्त हो, मन की जो यात्रा है मन में जाके समाप्त होगी। आपका मन का जो जन्म हुआ है वो परमात्मा के मन से जन्म हुआ है, भूमा मन से अनुमन का जन्म हुआ है, कॉस्मिक माइंड से यूनिक माइंड का जन्म हुआ है, परमात्मा से आत्मा का जन्म हुआ है। इसलिए जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं विलीन हो जाता यात्रा समाप्त नहीं होगी। इसलिए मन प्रधान बनना है, मन से आत्मा प्रधान बनना, ये अन्न प्रधान नहीं बनना है। रात और दिन अन्न ब्रह्मेति, अन्न को ही ब्रह्म समझ करके उसकी पूजा नहीं करनी है। पैसा रुपया सोना चांदी घर द्वार विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करते हैं? विश्वकर्मा पूजा होती है जितने मशीनी जो चीज है मशीन जितने हैं आपके सबकी पूजा होती है, और जब हरियाली आती है तो अन्न की पूजा होती है। दीपावली के बाद सूर्यदेव की पूजा होगी छठ माई। तो जितने प्राकृतिक चीज है सबकी आप पूजा करते हो, लेकिन जिसने प्रकृति को बनाया उसका ध्यान नहीं करते। तो जिसने सृष्टि बनाया है उसकी ध्यान करना है, तो सृष्टि के मालिक है उसकी ध्यान करना है। तो मन की यात्रा प्रारंभ करनी है, और मन की यात्रा अंतर्मुखी है। इसके लिए मन की यात्रा हरि कीर्तन से प्रारंभ होती है, सत्संग से प्रारंभ होती है, ध्यान से प्रारंभ होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा इष्ट मंत्र का भाव ग्रहण करना है, तब मन की यात्रा पूरी होगी। शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, पद्मासन में बहुत देर तक हम बैठ नहीं पाते, बिना पद्मासन में बैठे आराम से आरामदायक मुद्रा में बैठ के आप इष्ट मंत्र जाप करते रहिए। मन जाप कर रहा है ना, शरीर तो नहीं जाप कर रहा है, साधना मन करता है ना, शरीर तो नहीं करता। तो मन को अभ्यास कराते रहना है, मन पर शासन करना है, मन को अनुशासित बनाना है। मन का अनुशासन का मुख्य और प्रारंभ बिंदु है ध्यान। इसीलिए मन प्रधान जीव से आत्मा प्रधान और आत्मा से परमात्मा बन जाना है। बस दो चार ही दृष्टि है, अन्न से मतलब शरीर प्रधान से मन प्रधान कर दिया, मन से आत्मा, आत्मा से परमात्मा, तीन ही तो बात है और ज्यादा तो है नहीं। लेकिन इन तीन चीज के लिए कोटि कोटि जन्म लग जाते हैं, मन को कोटि कोटि जन्म, कितने जन्म लेते हैं, कितने शरीर रूप परिवर्तन करते हैं और धरती पर आते हैं। इसीलिए समय बड़ा कम है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, सदुपयोग करना है। कल भी कभी नहीं सोचना है, कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी के जीवन में नहीं, अगर कल है तो गुरु की कृपा से। इसीलिए हम लोगों के पास केवल आज है, आज अगर है तो वो भी उन्हीं की कृपा से। इसीलिए ये सोचना है कि हमारे पास अधिक समय नहीं है, कम समय है, हमको खुद साधना करना है और परमात्मा के संकल्प को इस धरती पर पूरा करना है। बाबा का उद्देश्य था सृष्टि का कण कण जो है इष्ट मंत्र पा जाए, सृष्टि का कण कण इष्ट मंत्र पा जाए।
अब आप सोच लीजिए हम लोगों का जो दायित्व है वो कितना बड़ा है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ का उद्देश्य है आत्ममोक्षार्थम जगत हितायचा, आत्मा की उन्नति, विश्व की सृष्टि की सेवा। और आनंद मूर्ति जी का उद्देश्य है कुर्वन्तु विश्वम अवधूतम, पूरे विश्व को अवधूत बनाना है। अवधूत का मतलब तो समझ ही गए, एक तो गेरुआ रंग से भी अवधूत होना है और दूसरा मन से भी अवधूत होना है। अवधूत मन का एक स्तर है, उस स्तर तक पहुंचना है। अवधूत माया से परे है। अवधूत मतलब ये तो हम लोगों का यूनिफॉर्म है गेरुआ रंग। अवधूत का मतलब जो माया से परे है, माया जिसको जो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब कालियानाग का वध कर रहे थे और वध में कृष्ण ने भगवान कृष्ण क्या किए, कालियानाग के फन के ऊपर डांस कर रहे थे ना, नृत्य कर रहे थे ना, उसी तरह अवधूत भी माया के ऊपर ऐसे नाचेगा जैसे तांडव करते हो। तो है ऐसे तो अवधूत मतलब माया के ऊपर, भय के ऊपर, जितनी वृत्तियां हैं उसको नियंत्रित करके उस पर नृत्य करना, वो है अवधूत। तो सबको मन के स्तर को उस स्तर तक पहुंचाना। तो जब तक आप माया से मुक्त नहीं होंगे, माया से परे माया ही कैसे बनेंगे। इसीलिए श्री श्यामानंद मूर्ति जी का जो उद्देश्य था वो था कुर्वन्तु विश्वम अवधूतम, पूरी सृष्टि के कण कण को माया से परे ऊपर उठा करके मायाधीश बना देना है। तो हम लोगों के जीवन में कितना उद्देश्य है, आत्ममोक्षार्थम जगत हितायचा कुर्वन्तु विश्वम अवधूतम, कुर्वन्तु विश्वम तांत्रिकम। भगवान श्री भी धरती पर जब आए थे तब उनका उद्देश्य था कुर्वन्तु विश्वम तांत्रिकम, पूरे विश्व को, सृष्टि के कण कण को, पूरी मानव जाति को तांत्रिक बना देना है। तांत्रिक का मतलब वो जादू टोना करने वाला तांत्रिक नहीं, तांत्रिक का अर्थ होता है जो जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करके अपना जो जीवन लक्ष्य है परम पिता परमेश्वर उसकी ओर जो अविरल अटल अचल जो चलता रहता है वो है तांत्रिक। तो आप लोगों को तांत्रिक भी बनना है, अवधूत भी बनना है, समाज सेवा भी बनना है, सेवक भी बनना है, भक्त भी बनना है, बहुत कुछ बनना है। और सभी बनने का जो क्रमिक और क्रमशः जो प्रारंभिक बिंदु है वो है हरि परिमंडल गोष्ठी। बिना हरि कीर्तन के कुछ भी संभव नहीं, बिना ध्यान के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना है, कीर्तन में भाग लेना है, दूसरों को कीर्तन करने का अवसर देना है, सबको ये बता देना है कि बाबा नाम केवलम ही जीवन का सारत सार है, पूरी सृष्टि इसकी बाबा नाम केवलम में ही चल रही है, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति इसी बाबा नाम केवलम से ही हो रही है और पूरी सृष्टि को यही बाबा नाम केवलम ही चला रहा है और कुछ नहीं। बाबा नाम केवलम मतलब क्या, बाबा का नाम परमात्मा वही तो चला रहे हैं। ये सारा कुछ जितना कुछ अभी हम लोग संस्था में देखते हैं, जगत में देखते हैं, ये क्या है ना, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड हो गया, तरल हो गया। परमात्मा का जो पुरुष भाव है वही एक तो सॉलिड है, एक ही पुरुष है, वो एक सॉलिड है, मतलब सॉलिड फैक्टर है, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में है, रूपांतरण हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन के क्रम में। तो वापस उसी में ही जाना है। तो हम लोगों का जो जीवन का सार है वो है परमात्मा, परमात्मा को भूलना नहीं है। और कभी भूल भी जाए तो ये सोच लेना है मैं ही तो परमात्मा हूँ, तो याद आ जाए। अपना नाम याद नहीं रखते ये सोच लेना है एकदम शॉर्टकट, मैं ही तो
ब्रह्म, मैं ही तो ब्रह्म, बाकी सब तो आवरण है ब्रह्म का। तो यही है आनंद मार्ग प्रचारक संघ का मुख्य उद्देश्य, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताचा, आत्मा की उन्नति करना है जगत के हित के लिए। भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ बना दिया, संस्था बना दी, और संस्था में नाना प्रकार के भिन्न प्रकार के सामाजिक सेवा के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे ऐसे संरचना विभाग सब कुछ बना दिया, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में जगत कल्याण का ये आध्यात्मिक आंदोलन, जगत कल्याण का एक आध्यात्मिक उत्सव का जी लीजिए, आध्यात्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक आलोड़न जो भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी के तत्वाधान में इस पृथ्वी ग्रह पर जो चल रही है, उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब उनकी कृपा के पात्र बने हुए हैं, उनकी गोष्ठी के इस छत्र छांव में हम लोग बैठे हुए हैं। तो बाबा से यही निवेदन है, निवेद्यामि 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 त्वं निवेद्यामि, मतलब यही कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमें अपनी इस छत्र छाया में शरण दे करके रखे रहिए, चरण दे करके रखे रहिए, हमारे मन को किंचित भी अपने भाव से अलग मत होने दीजिए। ये कृपा गुरु की हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से यहाँ की आयोजक जो गृहवासी हैं, जो धमदा यूनिट के जो सेक्रेटरी हैं, जो मूर्ति प्रधान दादा और सभी भक्तगण को मेरे मन के अनंत भाव से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, नमस्कार। तो समाप्त।